देश में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करते हुए बेटमा नगर में बजरंग दल जिला संयोजक अप्पू कुमरावत पिछले 27 मार्च से 5 मई तक सतत रोज करीब 400 से 500 बच्चे व जरूरतमंद गरीब लोगों को निशुल्क भोजन घर घर जाकर बांट रहे हैं। नगर में गरीब लोगों का अप्पू कुमरावत पर भरोसा है कि भोजन जरूर लेकर आएंगे, अपने घर देने के लिए ऐसा लोगों का पूरा विश्वास है और इसी विश्वास के कारण वह गरीब लोग सुबह शाम इंतजार करते हैं और भोजन प्राप्त करने के बाद अप्पू कुमरावत को धन्यवाद भी देते हैं कि काश आप अगर भोजन नहीं लाते तो हमारी व्यवस्था कहाँ से होती, हमें भूखा ही सोना पड़ता। अप्पू ने उन्हें प्रेम प्रभाव निवेदन करते हुए कहा है कि भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता, हम आपकी सेवाएं कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है। मैं तो इतना जानता हूं कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। मैं 1,30,00,000 जनता इस विपदा में बसी हुई, मतलब भारत की पूरे विश्व में चल रहा मामला है, उसके बावजूद मतलब तुम आप समझ ही नहीं रहे हो। 27 जब से लॉकडाउन जब 27 तारीख से हमको परमिशन मिली और हम आपके पास आए सेवा देने, जो तुम बोलते हो देखो, जो तुम बोलते हो जाके प्रशासन को बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, प्रशासन कोई क्या थोड़ी आ रहे तुमको, अभी हम ये बच्चों के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे डेरे में तुम्हारे डेरे में 80 बच्चे हैं तो हम इसके लिए ला रहे हैं और माता राम गाँव में हम बच्चों को खिला रहे हैं और जो तुम जैसे बड़ों को बच्चों का बड़े सीन कर लेंगे पर ये सीन नहीं करें, लुटो भी आपको धुआं लगेगा बच्चों का, इतनी सहायता करोगे तो बच्चों का धुआं लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।